हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अगली संपत। हम कुछ दिनों से हिस्ट्री की सीरीज लेकर चल रहे हैं। हम ये हमारा इस लाइन में देखने वाले हड़प्पा सिविलाइजेशन के कुछ अनसुनी सुनी बातें जो आपको ज्ञात होगी, कुछ अज्ञात होगी, आपको जानकर कुछ हैरानी भी होगी कि ये लोग इतने डेवलप थे, अपने से अच्छे थे। देखिए, हम सबसे एक एक पॉइंट करके सब समझ लेंगे, इसलिए बने रहे एंड तक। हड़प्पा सिविलाइजेशन सबसे पहले हिस्ट्री के प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड में आता है, और उसके साथ भी उस दिनों में जब चाइनीज सिविलाइजेशन थी, इजिप्ट सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, उसके कंटेम्प्रेरी हड़प्पा सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रेरी थी। दोस्तों, चलो, हड़प्पा सिविलाइजेशन को फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे से अच्छे बिल्डिंग, हमारे से अच्छे इमारतें, हमारे से अच्छा हाउसेस का स्ट्रक्चर और जो सड़कें थी वो राइट एंगल को मिलती थी सब सड़कें, इसीलिए हमारा फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन भी कहा जाता है। ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है दोस्तों। हड़प्पा सिविलाइजेशन को फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि अर्बनाइजेशन सिस्टम क्या है, हमसे बहुत अच्छा था, डेवलप था, इसीलिए फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन इंडिया भी कहा जाता है। और उसके बाद सबसे पहले इंडस वैली हड़प्पा सिविलाइजेशन को विजिट किसने की, या इंडस वैली सिविलाइजेशन को विजिट किसने की, तो उसमें आता है चार्ल्स मैसन 1826 में और अलेक्जेंडर बर्न्स 1831 में, और दोनों ने क्या किए, विजिट किए फर्स्ट में। और उसके बाद ये तो सही है दोस्तों, लेकिन धीरे धीरे करके हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में कुछ और आर्कियोलॉजिकल इवेंट्स मिल रहे थे धीरे धीरे, और उसकी जानकारी और क्या है और जानकारी मिल रही थी। इसी दौरान जब अंग्रेजों, आपको पता ही है हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों ने लाहौर टू मुल्तान जो रेलवे लाइन बिछाने का काम चालू किया था, उसी समय क्या हुआ कि दो सिटी के जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों नामक सिटी की उभर आई, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी कि जो राखलदास बैनर्जी 1921 में और दयाराम साहनी 1922 में, उसकी महत्वपूर्ण योगदान रहा दोस्तों कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिटी की खोज करने में। और उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन को, हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये सब साइट कहाँ पे स्थित थी, इंडस रिवर बहती, आपको पता है, आप ये मैप में देख सकते हैं, इंडस रिवर के साइड ये सब लोग इंडस रिवर के नदी के किनारे रहते थे, इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन में कहा गया है। सबसे पहले किसने कहा है, जॉन मार्शल ने कहा है, ये एग्जाम के लिए और आपकी जानकारी भी महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट टर्म यूज बाय जॉन मार्शल। सिविलाइजेशन चल रही थी, मेसोपोटामिया में सिविलाइजेशन चल रही थी, चाइनीज सिविलाइजेशन चल रही थी, और एंशियंट इजिप्ट की सिविलाइजेशन भी चल रही थी। उसके बाद 2014 में क्या हुआ, वसंत शिंदे के महत्वपूर्ण योगदान से राखीगढ़ साइट की खोज हुई, उससे ये जानकारी मिली, उससे कुछ हमें ऐसा मिला कि उससे क्या निकल लगा कि लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कह जाने लगे। आपको क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे लार्जेस्ट साइट कौन सी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट कौन सी है, राखीगढ़ी है। याद रखना दोस्तों, इसे इजी करने के लिए फोर फेज में डिवाइड किया, प्री हड़प्पा पीरियड, मार्ली हड़प्पा पीरियड, मेजर हड़प्पा पीरियड और लेट हड़प्पा पीरियड। प्री हड़प्पा पीरियड 3300 बिफोर कॉमन ईरा से पहले आता है। उसमें इसमें इस पीरियड में क्या हुआ, नॉमेडिक पीपल स्टार्टेड लिविंग सेटल लाइव्स एंड पिकअप एग्रीकल्चर, क्या है, सेटल होने लगे और धीरे धीरे खेती करने की शुरुआत की। किस पीरियड में, प्री हड़प्पा पीरियड में। अर्ली हड़प्पा पीरियड में क्या हुआ, ये पीरियड सबसे टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये पीरियड 3300 बिफोर कॉमन ईरा से 2600 बिफोर कॉमन ईरा तक चला। इसमें मैसिव विलेजेस एंड अर्बन सेंटर्स इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड, छोटे छोटे जो विलेजेस थे, क्या उसकी संख्या बढ़ने लगी, और क्या एज वेल एज अर्बन सेंटर भी क्या होने लगे, अर्बन सेंटर की स्थापना भी क्या होने लगी। लेकिन मैच्योर फेज में क्या होने लगा, मैच्योर हड़प्पा पीरियड में ये चलता है दोस्तों 2600 तो 1920 बिफोर कॉमन ईरा तक। उसमें क्या है, हमने तो ऊपर ही देखा कि जो छोटे छोटे बहुत बड़े गांव तो बहुत विलेजेस तो तैयार होने लगे बड़ी संख्या में, लेकिन क्या है, उसके साथ अर्बन सेंटर भी डेवलप इमर्ज होने लगे थे। इस पीरियड में लार्जर अर्बन सेंटर्स फ्लर्श इन दिस पीरियड, जो भी अर्बन सेंटर का पीरियड था, हमने पहले भी कुछ मिनट पहले कहा है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को फर्स्ट फेज ऑफ अर्बनाइजेशन भी कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि
क्या बड़े 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 सिटी उभरने लगी, किस पीरियड में उभरने लगी, मैचोर हड़प्पा पीरियड में, कि जो जो चला 2600 से 1900 तक चला, और सबसे लास्ट फेज है हमारा लेट हड़प्पा पीरियड, वो चला 1900 से 1300 बिफोर कॉमन एरा तक, उसमें क्या सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ, हम जानेंगे क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब एक एक पॉइंट क्लियर करेंगे दोस्तों, इसलिए लास्ट तक एंड तक बने रहे हमारे साथ, आपको कुछ अच्छा जानकारी मिलेगी दोस्तों। ज्योग्राफिकल हड़प्पा सिविलाइजेशन का ज्योग्राफिकल एरिया कितना फैला था, वो कहाँ तक, नॉर्थ में कहाँ, ईस्ट में कहाँ, साउथ में कहाँ और वेस्ट में कहाँ, ये सब इस दो दो तीन सेकंड में हम जानने वाले हैं। आपको आपको देखते हैं, आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इन इंडिया एंड पाकिस्तान, कितना एरिया कवर करती है दोस्तों इंडस वैली सिविलाइजेशन 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, कहाँ पे सिचुएटेड, इंडिया एंड पाकिस्तान में सिचुएटेड है वो इंडिया हड़प्पा सिविलाइजेशन के साइड। उसमें द सेटलमेंट ऑफ सोख्ता जंडोर इन वेस्ट ऑन पाकिस्तान ईरान बॉर्डर, शर्तुगे अफगानिस्तान इन नॉर्थ, आलमगीरपुर यूपी एंड ईस्ट एंड दायमाबाद इन साउथ आर द बाउंड्रीज ऑफ दिस सिविलाइजेशन। दोस्तों जो भी वेस्ट बाउंड्री थी वो कहाँ तक फैली थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन की, कि जो ईरान ईरान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है उसे सुख्ताजन डोर भी कहते हैं हम, उस तक फैली थी, वहाँ से इसमें हमारा जो यूपी है वहाँ का आलमगीरपुर सिटी है शहर है उस तक फैली थी, और नॉर्थ से नॉर्थ कहाँ तक, नॉर्थ में अफगानिस्तान में शर्तुगा नामक का शहर है, उस वहाँ से तक महाराष्ट्र का दायमाबाद सिटी तक नॉर्थ और साउथ कवर करती थी। दोस्तों समझ में आया दोस्तों इस वीडियो में कितना कितना एरिया कवर करती है, नॉर्थ साउथ शर्तुगाय दायमाबाद, वेस्ट कहाँ से सुख्ताजन डोर, और यहाँ हमारे पास यूपी में आलमगीरपुर नामक सिटी के स्थित ना आलमगीरपुर सिटी पर सिटी तक फैली हुई थी कौन सी सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसे हम क्या कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और इट्स कोर एरिया वाज इन रीजन पाकिस्तान गुजरात राजस्थान एंड हरियाणा, कौन से राज्य में स्थित थी वो, पाकिस्तान गुजरात राजस्थान एंड हरियाणा। सलाइन पिक्चर ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन, जो भी पिक्चर है उसमें उनमें टाउन प्लानिंग, उनके सोशल लाइफ, उनका पॉटरी, उनका इकोनॉमिक लाइफ, और उनको हड़प्पा सिविलाइजेशन कुछ कौन से रिलीजन को बिलोंग करते थे हम सब जानेंगे दोस्तों। फर्स्ट वन, द हड़प्पा कल्चर वाज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इट्स सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग ऑन द लाइन्स ऑफ द ग्रेड सिस्टम दैट इज स्ट्रीट्स एंड लेन्स कटिंग अक्रॉस द वन अनदर एट राइट एंगल्स एंड सिटी डिवाइड इनटू रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। जो भी सिटी थी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से डेवलप की थी, जो भी सड़कें थे जो स्ट्रीट थे वो कहाँ से एक दूसरे को कहाँ से कैसे कौन में मिलते थे, राइट एंगल में मिलते थे दोस्तों, कि जो भी कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह ना हो इसीलिए। और जो घर कैसे सिचुएटेड थे, रेक्टेंगुलर ब्लॉक के तरह सिचुएटेड थे, कि जैसे हमारी सिटी चंडीगढ़ को हमने वेल प्लान किया है उसी तरह रेक्टेंगुलर ब्लॉक के थी। मोहनजोदड़ो कालीमंगन हड़प्पा है सिटाडेल में दोस्तों ऐसा सिस्टम रहता था दोस्तों, सिटाडेल मीन्स क्या होता है, कि जो ऊपर का हिस्सा है वो बोर्ड के ऊपर दिख रहा है तुम्हें, जो ऊपर का हिस्सा वो का मोनार्की सिस्टम रहते, मोनार्की लोग रहते थे, जो भी दरबार के लोग, जो राजा था वो ऊपर के हिस्से में रहता था, और जो नीचे के हिस्से में कौन रहते, आम आदमी लोग रहते, कॉमन पीपल रहते थे, क्योंकि ऊपर के हिस्से से क्या उसका प्रोटेक्शन किया जाए, किसी का कॉमन मैन का, कि जो कोई भी दुश्मन आ जाए वहाँ से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करते थे, किंग लोग करते थे। समझ में आया दोस्तों सिटाडेल कैसा था, उकाका से एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोहनजोदड़ो कालीबंगन और हड़प्पा यहाँ सिटाडेल था दोस्तों। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम कनेक्टिंग ऑल ऑफिस टू द स्ट्रीट ड्रेन विच वी हैव कवर, जो भी ड्रेनेज सिस्टम था वो कैसा था, अंडरग्राउंड था और कैसा था कवर का, जो ड्रेनेज सिस्टम थी कैसी थी, कवर सिस्टम, ब्रेड बाथ मेजरिंग 39 फीट लेंथ 23 फीट ब्रेथ एंड 8 फीट डेप्थ, साइड रूम्स फॉर चेंजिंग क्लॉथेस, जो मोहनजोदड़ो में हमें जो गेट पाथ मिलता है दोस्तों वो फंक्शन कुछ उस जमाने में जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो भी फंक्शन था उसके दौरान ग्रेट बाथ यूज किया जाता था लोगों को, और कपड़े चेंज करने के लिए रूम भी थे साइड में। द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदड़ो इज अ ग्रेनरी मेजरिंग 150 फीट लेंथ एंड 50 फीट ब्रेथ, हड़प्पा हैड सिक्स ग्रेनरीज, जो लार्जेस्ट साइट है, जो लार्जेस्ट ग्रेनरी हड़प्पा में स्थित है वो हमें मिला है,
हड़प्पा लोग जो टैक्स के स्वरूप में यूज करते थे वो ग्रेनरी सिस्टम, जो भी अनाज वगैरह था जो टैक्स के द्वारा हम जैसे अभी मनी मनी के फॉर्म में हम टैक्स देते गवर्नमेंट को, लेकिन उस जमाने में हड़प्पा सिविलाइजेशन में क्या करते थे लोग अनाज के रूप में टैक्स भरते थे। इसलिए सबसे बड़ा अनाज का जो ढेर घर है ग्रेनरी बोलते हैं हम उसे, वो कास्ती थे मोहनजोदड़ो में। ऐसे कास्त ऐसे कितने थे हड़प्पा में फाउंड हुए, 6 ग्रेनरीज फाउंड हुए दोस्तों कहा मोहनजोदड़ो में। दूसरा सराउंडिंग पिक्चर, दूसरा एस्पेक्ट है हमारा इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द हड़प्पा पीपल। इकोनॉमिक क्या क्या इंक्लूड देखेंगे हम, देयर वॉज अ ग्रेट प्रोग्रेस इन ऑल स्पेस सच एज एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट स्टेल्स। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग थे वो उसके प्रोग्रेस कहाँ कहाँ थी, कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में थी, एग्रीकल्चर में भी अच्छे प्रोग्रेस थी, इंडस्ट्री में भी, क्राफ्ट में भी और ट्रेड में भी। देखेंगे हम उसका ट्रेड किसके किसके साथ है, नीचे पॉइंट है हमारा उसका ट्रेड एवरेज एग्रीकल्चर के लिए कौन से क्रॉप यूज उगाए जाते थे, व्हीट बार्ली सेसम मस्टर्ड एंड कॉटन। सबसे ज़्यादा जो फेमस क्रॉप उगाया जाता था मतलब वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा क्रॉप पे पकड़ते व्हीट और बार्ली, बार्ली के दोनों क्रॉप ज़्यादा यूज करते थे। एनिमल्स कौन से एनिमल्स फाउंड होते दोस्तों हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन में, शिप गोट्स एंड बफेलो, कौन से शिप गोट्स एंड बफेलो एज वेल एज डियर ऑल्सो फाउंड, बट हॉर्स इज नॉट फाउंड। आपको कई एग्जाम में गूगल टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बट हॉर्स इज नॉट फाउंड इन दिस हड़प्पा सिविलाइजेशन, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनी एग्जाम, देयरफॉर केयरफुल। ब्रॉन्ज एंड कॉपर वेसल आर द आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ हड़प्पा क्राफ्ट। जो ब्रॉन्ज है और कॉपर के वेसल बनाए जाते थे क्या है आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल इन द हड़प्पा सिविलाइजेशन। रेड एंड कौन से पॉटरी में कौन से रेड एंड ब्लैक पॉटरी वेयर यूज इन दिस हड़प्पा सिविलाइजेशन। फॉरन ट्रेड विथ मेसोपोटामिया अफगानिस्तान एंड ईरान। जो फॉरन ट्रेड था दोस्तों उसका किसी के साथ था, वो हमने पहले सुना है कि मेसोपोटामिया अफगानिस्तान और ईरान के साथ उसका फॉरन ट्रेड चल रहा था। गोल्ड कॉपर टीन सेवरल सेमी प्रेशियस स्टोन इम्पोर्टेंट। कौन से स्टोन्स इम्पोर्टेंट किया जाते थे, इम्पोर्ट किए जाते थे दोस्तों, गोल्ड कॉपर टीन अदर्स कुछ सेमी प्रेशियस स्टोन्स। क्या एक्सपोर्ट किया जाता था फिर, ये तो इम्पोर्ट किया जाता था, एक्सपोर्ट क्या किया जाता था हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग क्या एक्सपोर्ट करते थे फिर, व्हीट बार्ली पीस ऑयल्स एंड वैरायटी ऑफ फिनिशर प्रोडक्ट्स लाइक कॉटन होगा, गुड्स होगा, पॉटरी वेयर्स टेराकोटा जो मिट्टी की बनी होती है और कुछ आइवरी प्रोडक्ट्स क्या एक्सपोर्ट करते थे दोस्तों। हड़प्पा सिविलाइजेशन में कुछ सिटीज भी फाउंड हुए कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ सिटियों में कुछ साइट में मिले हमें दोस्तों। बुलक कार्ट एंड ऑक्शन फॉर लैंड ट्रांसपोर्ट। जो बैलगाड़ी थी हम जो यूज़ करते हैं अभी खेती वगैरह करते तो हम ऑक्शन का यूज़ करते, वह उसी तरह बुलक कार्ट एंड ऑक्शन यूज फॉर लैंड ट्रांसफर एंड बोट्स एंड शिप्स फॉर रिवर एंड सी ट्रांसफर। जो बोट्स थी और शिप्स थे वो किसके लिए यूज करते थे, सी और रिवर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाते थे दोस्तों। कहाँ किस पीरियड में, हड़प्पा सिविलाइजेशन में। सोशल लाइफ में आता है दोस्तों, सोशल लाइफ देख रहे हैं। द ड्रेस ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन कंसिस्टेड टू पीसेस ऑफ क्लॉथ, वन अपर गारमेंट अदर लोअर गारमेंट। क्या जो अपर पोर्शन था वो एक पीस से वन पीस से ढका होता था और जो अदर लोअर गारमेंट है वो भी यूज किया जाता था। ज्वेलरीज में कौन से फाउंड हुए हमें, कौन से ज्वेलरीज मिले जो हड़प्पा सिविलाइजेशन यूज करते थे, उसमें से बैंगल्स ब्रासलेट्स फिलेट्स गिल्डर्स एंकलेट्स ईयर रिंग एंड फिंगर रिंग्स। उसके इसके ऑप्शन में ये चीज़ें मिली दोस्तों हमें। उसके बाद में ऑर्नामेंट्स जो भी दागिने थे ऑर्नामेंट्स में जो लड़कियाँ ज़्यादातर पहनती थी उसमें आता है हमें गोल्ड सिल्वर कॉपर ब्रॉन्ज स्टोन्स। ऑर्नामेंट्स में क्या मिले हमें कि जो ऑर्नामेंट्स बने हुए थे गोल्ड के थे, सिल्वर के थे, कॉपर ब्रॉन्ज और स्टोन के बने हुए थे। फिशिंग वॉज अ रेगुलर ऑक्यूपेशन व्हाइल हंटिंग एंड बुल फाइटिंग वेयर अनदर पास टाइम्स। क्या फिशिंग भी ज़्यादा रेगुलर के लिए यूज किया जाता था दोस्तों। वेपन्स ऑफ वार सच एज एक्सेस पेरियर्स डैगर्स बोथ अरोज मेड ऑफ कॉपर एंड ब्रॉन्ज। जो वेपन ऑफ वार जो वार के लिए वेपन यूज किए जाते थे उसमें एक्सेस होगा स्पीयर से डैगर्स से
बहुत ज्यादा अरोज होगा कि जो बने हुए थे कॉपर और ब्रॉन्ज के बने हुए थे। दोस्तों हमारा फोर्थ पॉइंट है आर्ट्स। आर्ट्स में क्या क्या आता है, सबसे पहले मदर गॉडेस और जो कुछ ह्यूमन टॉर्चो के भी जो फिगर मिले वो भी आर्ट्स में आता है दोस्तों। ये हरप्पा सिंह का प्रोग्रेसिव स्टेज था। द फिगर ऑफ डांसिंग गर्ल फ्रॉम मोहनजोदड़ो मेड ऑफ ब्रॉन्ज इज अ रिमार्केबल फॉर्स वर्कमैनशिप। जो डांसिंग गर्ल की इमेज मिली कहाँ से, मोहनजोदड़ो से, ये भी क्या रिमार्केबल वर्कमैनशिप है। टू स्टोन स्टैचूज फ्रॉम हरप्पा, वन रिप्रेजेंटिंग द बैक व्यू ऑफ अ मैन एंड अदर ऑफ अ डांसर स्पेसिमन ऑफ देयर स्कल्पचर। दो स्टैचू मिले कि जो हरप्पा में स्थित थे, हरप्पा से मिले कि जो वन क्या रिप्रेजेंट करता है, बैक व्यू ऑफ मैन, कि जो मैन का बैक पोस्चर है वो रिप्रेजेंट करता है, और जो अदर स्टैचू वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डांसर स्पेसिमन रिप्रेजेंट करता है। द पॉट्स एंड जार्स वेयर पेंटेड विथ वेरियस डिजाइन एंड कलर्स। जो पॉट्स थे जार्स थे वो किससे बने थे, वेरियस डिजाइन उसके ऊपर क्या थी, वेरियस डिजाइन थी, अलग अलग तरह की डिजाइन थी और अलग अलग तरह के कलर भी यूज किए जाते थे। सम पॉटरी पीसेस वी फाइंड फिगर्स ऑफ फिश और पीकॉक। जो कुछ पॉटरी थी उसमें उसके ऊपर हमें कुछ पंछियों के फिगर्स मिले जिसका जिसमें फिश और पीकॉक का भी समावेश है। पांचवा पॉइंट स्क्रिप्ट में द हरप्पा स्क्रिप्ट हैज स्टिल टू बी फुल डिसिपर। जो भी हरप्पा स्क्रिप्ट थी क्या फुल डिसिपर हो गई। स्क्रिप्ट वॉज मोस्टली रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइटिंग इन रिवर्स डायरेक्शन इन अल्टरनेट लाइंस। दोस्तों हम जो लिखते हैं हम कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते, कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट ऐसे लिखते हैं। लेकिन वो जो हरप्पा सिविलाइजेशन के लोग थे वो कैसे लिखते थे, राइट टू लेफ्ट लिखते थे, कैसे राइट टू लेफ्ट, और रिवर्स डायरेक्शन हम जो ऊपर से लिखते वो नीचे से लिखते थे अल्टरनेटिव लाइन्स, कैसे लिखते थे, नीचे से लिखते थे अल्टरनेटिव इन अल्टरनेटिव लाइन्स। परपोला एंड हिज स्कैंडिनेवियन कलीग्स केम टू कंक्लूजन दैट द लैंग्वेज ऑफ द हरप्पा वाज ड्रेविडियन। जो परपोला एंड हिज स्कैंडिनेवियन कलीग्स ये दोनों साथ में आए, उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो हरप्पा सिविलाइजेशन के लोग थे कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे, द्रविडियन लैंग्वेज यूज करते थे। लेकिन कुछ इतिहासकारों के जानकारी अनुसार कुछ अलग अलग अपने व्यू है दोस्तों, इसमें डिफरेंट व्यू। हरप्पा स्क्रिप्ट विद दैट ऑफ ब्राह्मी, जो हरप्पा स्क्रिप्ट थी कौन सी लिपि यूज की जाती थी, ब्राह्मी लिपि की यूज की जाती थी, ऐसा कुछ इतिहासकारों का कहना है। छठा पॉइंट देख रहे हैं दोस्तों हम हरप्पा सिविलाइजेशन का, जो आता है हमारा रिलीजन। फ्रॉम द टेराकोटा फिगर्स एंड कॉपर टैबलेट्स वी गेट एन आइडिया रिलीजन ऑफ हरप्पा पीपल। जो भी टेराकोटा फिगर थी और जो कुछ कॉपर के टैबलेट है उससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि हरप्पा सिविलाइजेशन किस रिलीजन को बिलोंग करते थे, कुछ किस देवता को पूजा किया जाती थी। जो हरप्पा सिविलाइजेशन के लोग चीफ मेन डेटी वाज अ पशुपति दैट इज कॉल्ड एज प्रोटो शिवा, रिप्रेजेंटेड इन अ सील्स एज अ सिटिंग इन अ योगी पोस्चर विद थ्री पीसेस एंड टू हॉर्न्स। जो हरप्पा सिविलाइजेशन का जो मेन डेटी था, जो देवता था, उसे क्या कहते थे, पशुपति कहते थे, आसो बाड़ेस प्रोटो शिवा, उसे थ्री पेसेस और जो उसके सर पे टू हॉर्न्स लगे थे, आप पिक्चर में देख सकते हैं उसके टू हॉर्न्स लगे हुए हैं। ही इज सराउंडेड बाय फोर एनिमल्स, एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बफेलो, ही इज फेसिंग डिफरेंट डायरेक्शन। जो एनिमल है उसके डायरेक्शन कैसे डिफरेंट डायरेक्शन है दोस्तों। द चीफ फीमेल डेटी वाज अ मदर गॉडेस, जो फीमेल डेटी थी उसे क्या कहते हैं, मदर गॉडेस। रिलीजन के आधार पर मुझे एक संत कबीर का दोहा याद आ रहा है दोस्तों। संत कबीर जी कहते हैं रिलीजन के आधार पर, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान भाई, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दो म्यान। जो साधु है किसी कौन सा भी साधु है उसे क्या ज्ञान की वैल्यू करना चाहिए ना कि उसकी जाति की, यही संतोष बात कर रहे इन हरप्पा सिविलाइजेशन। और ट्रीज एंड एनिमल्स वेयर आल्सो वर्शिप बाय हरप्पा पीपल, जो पेड़ थे और एनिमल्स की पूजा भी हरप्पा लोग के साथ साथ में करते थे। दे बिलीव इन गोस्ट एंड इवल फोर्सेस एंड यूज एमुलेट्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट देम। और जो हमारे अभी भी सोसाइटी में दोस्त वगैरह कुछ हमें बिलीव रखते थे, वैसे भी हरप्पा सिविलाइजेशन के लोग भी क्या करते, दोस्त और इवल फोर्सेस में इवल फोर्सेस के ऊपर भरोसा रखते थे और उसके प्रोटेक्ट करने के अगेंस्ट क्या यूज करते थे, ताबीज, जो एमुलेट्स यूज करते थे उसे ताबीज भी कहते हैं हमारे लैंग्वेज में। नो क्लियर इविडेंस फॉर द प्रैक्टिस ऑफ सत्य, कि जो सत्य प्रैक्टिस किया जाती है उसके जो सत्य प्रैक्टिस है
इस वीडियो में देखा हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन की सब जानकारी मिले देखी है। आपको कुछ मालूम होगी, कुछ अज्ञात होगी, कुछ ज्ञात होगी, ये सब जानकारी मैंने सब प्रोवाइड किया है। इसीलिए इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कर देना ताकि ऐसे वीडियो मैं आपके लिए बार बार ला सकूँ और आपको कुछ इससे फायदा भी हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।